for Fahad Vlog. Yay! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी लिखा जाए हमेशा खुश है। तो इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का आगाज करते हैं। और आज की वीडियो जाके लाइक कर दो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो और साथ दिल बल्कि एक इनको प्रेस कर दो। आज की वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जी अभी टाइम हो रहा है 1:15 का और अभी स्कूल से आए हैं। उनको फिर से प्रेजेंट करते हैं और अपने नहाते हैं और फिर जुमे की तैयारी करते हैं। तो चलिए अब जी गाइस, अभी मैं पढ़ गया जुमा और अभी टाइम हमारा 2:25 का। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक। आज बहुत बिठाए हुए को नहाया था, वरना मेरे पाल कभी जिंदगी में नीचे नहीं बैठते, हमेशा ऊपर होते हैं। तो आज चलो आज बिठा के देख लेते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक। और आज है जुमा मुबारक का दिन और आज 19 नवंबर, तो अभी 2:30 का टाइम हो रहा है। आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक। और अभी हम अपना क्या कहते हैं खाना खाते हैं। पहले मैं पीने लगा सूप। और सर्दियों में हमने पहली बार आज सूप बनाया, जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं ये फर्स्ट टाइम बनाया। तो पीते हैं अपना सूप, गरम गरम सूप। और आइए तो सूप पीते हैं अपना, तो सूप पीते हैं अपना। और काफ़ी गर्म है अभी, तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह। तो जी गाइस, अभी हम खाने लगे अपना दोपहर का खाना और काफ़ी भूख लगी है सुबह भी, क्योंकि मैं नाश्ता करके नहीं जाता। सिर्फ 3-4 आधा पराठा भी मुश्किल से, और एक कप चाय का पी जाता हूँ। तो अब 2:40 हो रहे हैं और काफ़ी भूख लगी हुई है। तो अभी हम अपना नाश्ता ही कर लो, जो मर्जी कर लो, खाना खाते हैं। और बहुत भूख लग रही है अभी, तो लेट्स स्टार्ट आवर ब्रेकफास्ट, आवर लंच, आवर डिनर, जो कुछ भी है। नाश्ते खाने में माए जी पराठा और दाल। और मैं रोटी का इसलिए नहीं कहा, रोटी दाल के साथ स्टम अच्छी होती, बस भूख लग गया। पराठा हम अपना खाते हैं। तैयार शेयर हो गए, तैयार भी जैसे छोटा पहन के, तो अभी चल रहे अपने दोस्त के। और अभी तकरीबन टाइम हुआ है 4 बजे का, तो अभी फिर हम चलते हैं और मोटरसाइकिल निकालते हैं, खुद बाहर जाके आपसे मिलते हैं। तो जी गाइस, अभी हम सारे भी घर पहुँच गए। आप सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग जो है वो आपको टाइटल देख के समझ आ जाएगी, अपनी ओंडे पे, ओ सॉरी थंबनेल में देख के समझ आ जाएगी। हम जामे मस्जिद आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी मैं सारे के घर पहुंच गया हूँ और सारे भी रेडी है। तो चले फिर, अभी कह रही है अपने अब्बू का इंतजार कर रहे हैं, वो आ जाए फिर ये साथ चलते हैं। चैनल का भी नाम जाना किधर है? जामे मस्जिद, इनको जामे मस्जिद दिखाएंगे। जामे मस्जिद चलते हैं, तो इसने भी चैनल शुरू किया हुआ है, तो इसके बारे में बताते हैं। तो अभी फिर जामे मस्जिद चलते हैं जाके, पहले चैनल के बारे में कम से कम लगाते हैं उधर जाके। नहीं नहीं, पहले बता दो, पहले बता दो। गाइस अभी टाइम हो रहा है मगरिब का, मगरिब की अज़ान हो चुकी है तकरीबन। तो जो व्लॉग है जिसके बारे में आज मैं बात करने लगा हूँ, जो व्लॉग का मेन टॉपिक है, तो जी टॉपिक जिस तरह कुछ फेक नहीं है, मतलब कुछ इसमें फेक नहीं है। आप लोग फेक अगर समझो तो मेरी मुराद से 100 बार समझो। तो जी वो जो एक यूट्यूबर है, एक यूट्यूबर जो जिसको सब जानते हैं, मेरे ख्याल से जितने उसके सब्सक्राइबर नहीं उससे ज़्यादा उसको दुनिया जानती है, और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो सब जानते हैं। और थंबनेल देख के भी आपको पता चल ही गया होगा, वो है काशिर। तो काशिर किंग, मतलब है तो उसका नाम काशिर ही, लेकिन किंग आगे लगा हुआ है। तो वहाँ उससे मैंने मुलाकात कर दी। अब आप लोग कहेंगे आप कैसे, आप तो इधर रहते हो वो उधर कहीं, और मैं भी झूठ बोल रहा है व्यूज़ लेने के लिए कह रहा है। नहीं, व्यूज़ लेने के लिए नहीं, क्योंकि वो बंदा शौकीन है गाड़ियों का, और जितना इंटरेस्ट मुझे है ना गाड़ियों के भी दरमियान, इतना मेरी एज के बंदे को हो सकता है, हो या हो सकता है ना भी हो, इतना ना हो किसी को जितना मुझे क्रेज़ है, इंटरेस्ट है। तो एक तो उसकी गाड़ी की वजह से और एक उसकी पर्सनैलिटी की वजह से ज़रूर उससे इंशाल्लाह मीटअप करेंगे, क्योंकि वो रहता है लाहौर वादत कलोनी में, और उधर ही लाहौर वादत कलोनी में मेरे एक रिलेटिव है, उनका घर है, मतलब करीब के मेरे वालिद के भाई, तो मेरे चाचू, तो उधर ही उनका घर है। तो हो सकता है ये जो अपकमिंग दिसंबर आ रहा है अभी 10-1 हफ्ते बाद, तो दिसंबर के बाद अभी हमें छुट्टी, मुझे विंटर की वेकेशन हो रही है,
और इंशाल्लाह कि मैं लाहौर जाऊं और काशिर किंग से मिलूं। तो मुझे तो बड़ा इंतज़ार है कि जल्द से जल्द टाइम गुजरे और मैं मिलूं। मतलब वीडियो में मैंने एक वीडियो भी इस बंदे की नहीं छोड़ी, मतलब फ़ैन हूँ मैं इसका। स्नैक पे भी देखता हूँ और यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे भी है, हर जगह पे। और जब इनका वो एक था पाकली का ऑटो शो था, उस दिन जो रश था यार देखने वाला नहीं था। इतना कोई सेलिब्रिटी हो तो नहीं होता जितना इसने। देखो इसने कहते हैं ना कि इसने अपना फेम बनाया, मतलब इसने कुछ लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, इसने अपनी गाड़ी का से फेम बनाया, लेकिन इसने स्ट्रगल की है। इसने 2018 से ही करता आ रहा है और अब जाके इसने जुलाई में सिटी ली और अब स्ट्रगल करके इतना कुछ किया अपने दम पे। इट्स नॉट लक, ये लक नहीं है, ये स्ट्रगल है। अगर आप मेहनत करते हो तो ही इसका होता है। तो बाय द वे जो बात है, इंशाल्लाह अभी मेरे ख्याल से आज 19 नवंबर है और मैं मिलूँगा इंशाल्लाह दिसंबर की वेकेशन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो एड्रेस वगैरह तो मुझे पता है किधर है लोकेशन, और उन्हें बता के मिलूँगा उनसे, मतलब किसी चीज़ पर कॉन्टेक्ट वगैरह करके इंस्टा वगैरह पे कि आपसे मिलने आ रहा हूँ और उनके साथ व्लॉग भी बनाऊँगा। तो काफ़ी इंतज़ार है इस दिन का, क्योंकि मैं उनकी हर वीडियो शौक से देखता हूँ, कोई वीडियो ऐसी नहीं जो मैं देख ही ना। तो काशिर किंग इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे होंगे, वो तो मुझे पता है कि नहीं देख रहे होंगे, ये वीडियो किसी तरह यार काशिर तक मत जाओ प्लीज़ यार प्लीज़। अगर ये काशिर के फैंस हैं तो देखो और उस तक मत जाओ वीडियो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं काशिर किंग से मीटअप करूँगा और उनसे मिलूँगा। तो स्टे ट्यून इंशाल्लाह इन दिसंबर वेकेशन, ओके, या इन जनवरी, मतलब दिसंबर की वेकेशन में या जनवरी में। जनवरी में तो पक्का है या दिसंबर की वेकेशन में, बस इस दो तीन महीनों में मैं मिलूँगा ही मिलूँगा। दिसंबर जनवरी फरवरी इन 3 महीनों के अंदर अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे इंशाल्लाह। तो काफ़ी थोड़ा सा नर्वस भी होगा लेकिन काफ़ी इंतज़ार है इस दिन का। तो बाय द वे अभी मगरिब का टाइम हो रहा है, तो अभी हम बाहर से आए थे, दोस्त के घर गया था, तो अभी हम खांसी वगैरह लगी हुई है थोड़ी सी, तो अभी हम कुछ नमाज़ पढ़ते हैं मगरिब की, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। मैं खाने लगाऊँ खाना और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 6:30 बजे का खाना, मतलब शाम में समझ लो एक तरह से खाने, क्योंकि भूख वगैरह लग रही थी यहाँ पर, कपड़े भी गंदे हुए हैं और खांसी हटने रही भाई को यार लगी हुई है, दुआ करो जल्दी से हट जाए। तकरीबन मेरे ख्याल से 1-2 दिन हो गए जो खांसी लगी हुई है, 1-2 दिन से ज़्यादा। पहले टेम्परेचर था लेकिन टेम्परेचर शुक्र है हट गया, और अब है खांसी और गला ख़राब है। गला तो आपको आवाज़ की वजह से लग रहा, नज़ला था शुक्र है, जो नज़ले में कैफियत होती है ना यार, मतलब आपको नाक गिरना फिर छींक आना, मतलब एक बहुत ही अजीब। तो नज़ला तो शुक्र है हट गया, लेकिन अभी जो क्या कहते हैं खांसी है ये वाली, तो ये नहीं हटी, और गला जो है खराब, गले पे टॉन्सिल्स वगैरह हैं तो वो नहीं हटे अभी फ़िलहाल। बाल काफ़ी बड़े हो गए मेरे हैं, ये देखो मैंने कटवाई नहीं है, मैंने कहा खुद लंबे करेंगे इतने इतने काशी जितने सही बड़े सारे बाल करेंगे, हो सकता है यार, क्योंकि ना बाल वाले लंबे करने हो सोच रहा हूँ। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा, आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो उसको ज़्यादा लाइक करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तबीयत ख़राब है, मैं मिलता हूँ आप सब नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए, बहुत सारा प्यार, सी यू नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।